तो दो तो सही, आजकल 90% लोग यहाँ पे मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग शुगर पेशेंट हैं। हर तीसरे चौथे घर में मेडिसिन चलती है शुगर की। आप हमें 30 दिन दो यार, हम कुछ मांग रहे हैं आप लोगों से, हम निशुल्क सेवा, हम यही कहते हैं। बस क्लास में हमारी करबद्ध प्रार्थना होती है आपसे, भाई हमारी क्लास में आओ प्लीज, जुड़ जाओ भारतीय आशीर्वाद के साथ। फिर भारतीय आशीर्वाद का करिश्मा देखें आप। मैंने एक बेटा डीएलएफ में, रौनक बेटा है, आया हुआ है, इस बच्चे का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियां एक बार। वाह जी वाह, क्या बात है, रौनक के लिए जोरदार तालियां। इस बच्चे का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। ये हमेशा वहां पे वीडियो बनाता और डालता है, और मुझे पर्सनल ये डालता है वीडियो। इस बच्चे को देखें, इतने कितना भारी प्रयास है। उस मंजीत, इनका हेड शिक्षक है मंजीत, वहाँ पे आज वो बात हुई तो सुबह कोई 2:45 बजे मुझे फोन आया, अंकल जी मेरे मुझे बुखार हो गया, मैंने आप लोगों को भी सूचित किया। मतलब कैसा शिक्षक है और कैसा उसका साधक है देखें आप। तो मैंने इसे कहा था कि मैंने कहा तुम रौनक वहाँ पे पहुंच गए, एक छोटी सी भारतीय सहयोग की तरफ से एक गिफ्ट भी है। रजीना की बच्चे के प्रोत्साहन के लिए कुछ भी नहीं है, ये चीजें कोई खास महत्व नहीं रखती हैं, लेकिन इस बच्चे का प्रयास देखें आप, कितना जबरदस्त प्रयास है। ऐसे बच्चे हमारे देश के और आगे चल के देखेंगे बच्चा क्या बनेगा। हमेशा समाज सेवा में अभी से प्रेरणा अपने पेरेंट्स से मिलती है। मैं पहले भी एक बार बोल चुका हूँ कि प्रेरणा अपने पेरेंट्स से मिलती है। हमारे पड़ोस में सरदार फैमिली थी, अब सच्चाई की बात बता रहा हूँ, नाम मुझे थोड़ा गड़बड़ हो सकती है मैं बोलूँ, दो बच्चे थे। स्कूल जाने का टाइम था, गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल यहाँ रमेश नगर में मानसो गार्डन में, तो वहाँ वो पढ़ते थे दोनों बच्चे। स्कूल जाने का टाइम होता था तो माँ कहती थी भाग के पहले गुरुद्वारे जाए, वो कहते थे टाइम हो गया प्रेयर में, हमें रोज आना डांट पड़ती है। तो एक महीने से लगातार प्रिंसिपल देख रहा था और डेली कुछ ना कुछ उनको बोलता था, क्यों भाई तुम लेट क्यों हुए। बच्चे ऐसे ही करके खड़े हो जाते थे, शांत रहते थे, तो कभी कभी वो थप्पड़ चाटू भी लग जाता था उनका। तो एक दिन दोनों बच्चों को बुलाया गया, कहने का भी कारण बताओ कि चुप हो जाते थे, बताते नहीं थे। कहते हैं प्रिंसिपल साहब ऐसा है कि जब हमारे स्कूल जाने का टाइम होता है तो हमारी माँ कहती है पहले गुरुद्वारे में मत्था टेक के आओ, इसलिए हम लेट होते हैं। आप विश्वास करेंगे पूरी क्लास के सामने बच्चे के पैर पकड़ेंगे। ये प्रेरणा कौन देता है? ये प्रेरणा ऐसी माएं देती है, ये ऐसे ऐसे माएं सिखाती हैं बच्चों को, झूठ मत बोलो भाई, बच्चों बड़ों का आदर करो। हमारी बहू भी बीच में आई हुई है, ऐसी प्रेरणा ऐसी माएं देती हैं। और इस क्लास के बारे में तो मैंने पहले भी बताया कि बहुत कुछ सुन चुका हूँ मैं, और बहुत अच्छी क्लास है, हमारा सौभाग्य है जो हम यहाँ खड़े हैं आपके साथ। एक्सरसाइज कौन कौन सी हो गई है? सारी हो गई है। हंसी का कार्यक्रम